नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म टेनमेंट पर। 80 और 90 के दशक के बेहतरीन बॉलीवुड सिंगर्स में से एक शब्बीर कुमार। शब्बीर कुमार ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए थे जो कि आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। इनमें फिल्म तेजाब का गाना सो गया ये जहां, फिल्म आज का अर्जुन का गाना गोरी हैं कलाइयां और फिल्म घायल का गाना सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा जैसे तमाम गानों के साथ साथ उनका सबसे फेमस गाना जिहाले मिस्किन मुकुंद रंजिश शामिल है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, गोरी है कलाइया, मिला तो तुझे हरी हरी चूड़िया, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। इन गानों की वजह से वो आज भी याद किए जाते हैं। 80 के दौर की शुरुआत में शब्बीर कुमार का सिंगिंग करियर नया नया था। साथ ही ये वो समय भी था जब मोहम्मद अजीज के साथ साथ सुरेश वाडकर, पंकज उधास और इसी दशक के उत्तरार्ध में कुमार सानू और उदित नारायण जैसे दिग्गज सिंगर्स अपना करियर शुरू कर रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में तब बेहद कठिन कॉम्पिटिशन था। ठीक इसी समय 1980 में जब मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ तो संगीत प्रेमियों के जहन में एक अकाल सा छा गया। एक तरफ से किशोर कुमार ने पारी संभाल रखी थी लेकिन दूसरे सिरे पर कोई टिक नहीं पा रहा था। जैसा कि किसी भी सफल गायक के साथ होता है, बहुत से गायकों ने रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने की कोशिश की लेकिन इस भीड़ में जिस आवाज़ में निर्देशकों और संगीतकारों को आशा की किरण नजर आई वो थी शब्बीर कुमार की आवाज़। आज की पीढ़ी के लिए शायद यह नाम कुछ कम जाना पहचाना हो लेकिन वीडियो गेम्स के आ जाने से कॉमिक्स का महत्व कम नहीं हो जाता बल्कि विंटेज के नाम से पुरानी चीज़ें और भी कीमती हो जाती हैं। आज उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके लोग जब 80 के दशक में जवान हो रहे थे तब उनके साथ जवान हो रहे थे बॉलीवुड के गाने। जब हम जवान होंगे, जाने कहां होंगे। शब्बीर कुमार बड़ोदरा के रहने वाले हैं और वहीं से उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के डाई हार्ड फैन शब्बीर कुमार को पहले से ही अंदाज़ा था कि रफ़ी साहब के जाने के बाद वो ही रफ़ी साहब के उत्तराधिकारी बनेंगे और इसका संकेत उन्हें रफ़ी साहब के अंतिम संस्कार वाले दिन ही मिल गया था। शब्बीर कुमार ये किस्सा बहुत ही उत्साह से सुनाते हैं। शब्बीर अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि जब उन्हें रफ़ी साहब के निधन की खबर मिली तो खबर मिलते ही वो रफ़ी साहब के जनाजे में पहुँच गए। संयोग से जब रफ़ी साहब को कब्र में दफनाया जा रहा था तभी शब्बीर कुमार के हाथ में बंधी घड़ी रफ़ी साहब की कब्र में गिर पड़ी और रफ़ी साहब के साथ ही दफन हो गई। तभी शब्बीर कुमार को लगा कि ये कुदरत का एक इशारा है। इशारा ये कि शब्बीर कुमार ही रफ़ी साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अब इसे अंधविश्वास माने या कुछ और लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। शब्बीर कुमार ने सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया और उस दौर के सभी टॉप अभिनेताओं के लिए गाने गाए। रफ़ी साहब के जाने के बाद वही एक ऐसे सिंगर माने जाते थे जो काफ़ी हद तक उनके जैसा गाते थे। उस दौर में मोहम्मद अजीज़ भी गा रहे थे, नितिन मुकेश, सुरेश वाडकर, पंकज उधास और कुमार सानू उदित नारायण भी अपना करियर शुरू कर रहे थे। ऐसे में शब्बीर कुमार को अपनी अलग पहचान बनाना बहुत ज़रूरी था। फिल्म कुली में शब्बीर कुमार का गाया हुआ गाना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं काफ़ी हिट रहा था। हालांकि इस फिल्म को अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे के लिए ज़्यादा याद किया जाता है लेकिन फिल्म का वो गाना भी कामयाब रहा था और एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुआ था। अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे ने
पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोग अमिताभ बच्चन के स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, यज्ञ हवन और व्रत हो रहे थे और पूरा देश एक साथ एक उद्देश्य से प्रार्थना कर रहा था कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो जाएं। खैर, अमिताभ बच्चन स्वस्थ हुए। फिल्म कुली 1983 में रिलीज हुई और उनके इस गाने ने धूम मचा दी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। 80 और 90 का दशक तो शब्बीर कुमार के गानों के ही नाम रहा। तेजाब, बेताब, शोला और शबनम और वो सात दिन जैसी फिल्मों में उन्होंने कलाकारों की नई पौध को अपनी आवाज़ दी। 90 के दशक का अंत आते आते गानों, संगीतकारों और दर्शकों की पसंद में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। अब दर्शकों को फ्रेश आवाज़ के साथ साथ ऐसे गायक चाहिए थे जो लार्जर दैन लाइफ ना होकर ऐसे हों जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर सकें। जो पुरानी आवाज़ों से जुड़ाव महसूस करते थे वो ज़िंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त होकर शायद गानों से कुछ दूर होने लगे थे। कंप्यूटर की दस्तक और विदेशी म्यूज़िक के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की वजह से सब कुछ बदल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ने भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। हर स्तर पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और एक ऐसा वक्त भी आया जब अचानक सभी पुराने गायक गायब हो गए। शब्बीर कुमार भी उन्हीं में शुमार थे, लेकिन शब्बीर कुमार की आवाज़ दोबारा सुनाई दी साल 2010 की अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल में। गाना था आई डोंट नो व्हाट टू डू। शब्बीर कुमार वापसी की पूरी तैयारी में आज भी हैं, लेकिन वो खुद मानते हैं कि अब उनके गाने लायक गाने बनते ही नहीं हैं। फिलहाल इन दिनों वो दुनिया भर में कॉन्सर्ट करते हैं और पर्दे के पीछे से ही नहीं बल्कि अपने फैंस से मुखातिब भी होते हैं। ऐसे में अगर शब्बीर कुमार के फैंस को उनके नए गाने ना भी मिलें तो इंटरनेट की कृपा से आज भी उन्हें कभी भी और कहीं भी सुना जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। शब्बीर कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपने दोस्त आलोक कुमार शुक्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।